Hi friends, once again welcome back to Lantern Academy platform. Now we'll discuss about numerical number 7 from the unit 1, that is some basic concepts of chemistry. तो ये 11th class chapter 1 का numerical problem number 7 है जिसके solution के बारे में हम discuss करेंगे. तो इससे पहले मैंने previous जो इसके solution है उनके solutions मैंने बना दिए हैं और उन सारे videos का link अपने description box में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं अब. सो हाउ मच कॉपर कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट. तो उसने बोला कि 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है तो इसमें से कॉपर कितना निकल सकता है. तो सबसे पहले कॉपर का वेट परसेंटेज कितना है CuSO4 में, ये निकालना पड़ेगा. तो मीन्स कि कॉपर का वेट कितना है CuSO4 में. तो वेट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, वेट ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय द टोटल वेट ऑफ दैट कंपाउंड. सो कॉपर का जो वेट परसेंटेज हमें निकालना, सबसे पहले वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuSO4. तो वेट ऑफ आपको क्या है, कॉपर डिवाइड बाय वेट ऑफ CuSO4, ये हमें निकालना है. तो कॉपर सल्फेट का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मॉलिकुलर वेट. तो कॉपर का जैसे आपको पता है कितना होता है मॉलिकुलर वेट 63.5, सल्फर का हमें पता है कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का भी पता है 4 × 16. तो कितना हो गया ये वैल्यू आप देखो, ये 64 + 32 + 63.5, ये वैल्यू टोटल आपका कितना आ जाएगा, सम करोगे 159.5. तो 159.5 हमारा ये टोटल वेट ऑफ कॉपर सल्फेट आ गया. तो अभी हमें निकालना वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर. तो कॉपर का वेट परसेंटेज कितना, कॉपर का वेट फ्रैक्शन कितना है इसमें, तो कॉपर का 63.5 डिवाइड बाय 159.5. तो ये हो गया हमारा वेट, कितना कॉपर का प्रोपोर्शन है CuSO4 में. अब 100 ग्राम में कितना रहेगा, तो इनटू 100 कर दो आप. तो ये जो आंसर आएगा आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कॉपर का कितना अमाउंट 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट है. तो ये आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा 39.811 ग्राम. तो ये इसका आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेट करके देख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस न्यूमेरिकल. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग. और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता है आपको नॉलेज में हेल्प कर रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो. और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कुछ डाउट भी आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई इट. तो मेरा हमेशा से कहने का मतलब ये होता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो बेसिक से जाओ. जैसे यहाँ पे भी मैंने क्या बोला कि आप वेट परसेंटेज निकालो, कॉपर सल्फेट में वेट परसेंटेज कितना होता है, उसके बाद आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो. आपने कॉपर ये वेट परसेंटेज निकाल दिया, मतलब कितना फ्रैक्शन है कॉपर का CuSO4 में, इंटू 100 कर दिया, 100 ग्राम में दिया, तो 39.811 ग्राम आपका आंसर आ गया. So that's all. Thank you. Thank you so much.